Let us start yesterday of Lulu's Academy class 7 maths exercise 19 unitary method का ये exercise 19 है। देखिए students, इसमें कुछ different है 9A से। different क्या है मैं बताता हूं। first question में देखिए, If 48 men can dig trench in 14 days, 48 men जो है किसी ट्रेंच को गड्ढे को वो 14 days में dig करते हैं, How long will 28 men? तो 28 men कितने दिनों में dig कर लेंगे? आप खुद सोचिए कि अगर 48 men 48 आदमी 14 दिन लगाते हैं, तो अगर 28 आदमी रहे, केवल 28 मेन रहे, तो क्या ज्यादा दिन नहीं लगेगा? आदमी जब कम हो जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये डिफरेंस है। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट में इफ 48 मेन कैन डी ट्रेंच इन 48 मेन dig a trench कितने डेज में? 14 डेज में। तो 48 में 14 डेज, तो वन मैन अगर एक आदमी उस गड्ढे को डिग करता है तो बहुत दिन लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा, और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां पर 48 मल्टीप्लाई 14, ज्यादा दिन लगेगा तो हम ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसके पहले एक्सरसाइज 9A में जब 1 के लिए निकालते थे तो एक पेंसिल का रेट कम होता था, एक पेंसिल का दाम कम होता था, तो कम के लिए वहां डिवाइड करते थे। यहां पर एक आदमी काम करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आप कम और ज्यादा से देखिए, कम के लिए डिवाइड और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो फिर कितने का पूछ रहा है? 28 में ये, ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाई 28, कट कर दीजिए 14 14 टू 28 और 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 4 8 कितना आ गया इसमें? 24 डेज आंसर। ठीक है, तो 28 मैन जो है कितना टाइम लगाएंगे? 24 डेज में डिग करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। ठीक है ना, ऐसे ही सेम प्रोसेस पे आपको करना है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले 45 काउस लिखे 13 डेज में, पहले 13 डेज काउ ग्रेज 45 काउस, ये चीज समझना। देखिए जो टर्म दिया है, टर्म वो काउस का नंबर ऑफ काउस का पूछ रहा है ना लास्ट में। ठीक है, तो नंबर ऑफ काउस का जब पूछ रहा है लास्ट में तो हम डेज पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 13 डेज लगता है ग्रेस करने, 13 डेज काउस ग्रेस फील्ड ठीक है, तो 1 डेज में
वन डेज थर्टीन डेज काउस ग्रेस की 13 डेज लगता है 45 काउ को ग्रेस करने में, तो एक दिन में अगर एक ही दिन में सारा फील्ड ग्रेस करना है तो ज्यादा काउस लगेंगे, तब तो पूरा फील्ड वो ग्रेस हो पाएगा, तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कितने डेज में कर रहा है ग्रेस करने के लिए 9 डेज में, कट कर दीजिए 65 काउस, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो वन डेज में ज्यादा काउस लगेंगे तो 30 × 45, देन आफ्टर 9 डेज में ग्रेस कराना है तो 90 डिवाइड में चला जाएगा एंड यू कैन कट हियर, योर आंसर इज गॉट, सो इन 65 काउस। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन है, ओके, यू इजली डू, अब इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स। एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ द फैक्ट्री हैज एनफ मटेरियल टू 240 टन्स ऑफ स्टील इन मंथ, इफ 60 मोर टन ऑफ स्टील इज टू बी मेड दैट मंथ हाउ लॉन्ग विल मटेरियल, 60 मोर कह रहा है, ठीक है, तो 240 में 60 ऐड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 में और तब उसको फाइंड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में अ मिलिट्री कैंप हैज प्रोविजन फॉर 630 मेन टू लास्ट फॉर 25 डेज, हाउ मेनी मेन मस्ट बी ट्रांसफर, अब इसमें से कितने मेन को ट्रांसफर कर दिया जाए टू कैंप सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज, जो फूड है वो 30 डेज तक चलेगा। देखिए आप इसको मैं समझा, a military camp has provision for 630 men to last for 25 days. So, we can get 25 days for food. ठीक है ना, 25 डेज ऑफ फूड फॉर 630 में, 630 में वन डेज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितने डेज का पूछ रहा है 30 डेज, अगर पूरे मटेरियल को फूड मटेरियल को चलाना है 30 डेज, जो फूड है जो मिलिट्री कैंप में राशन है उसको 30 डेज अगर हमको चलाना है तो आदमी कम करने पड़ेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 630 × 35, ये आपका हो जाएगा डिवाइड, जीरो जीरो कट गया, कहीं जीरो मिलता है ना, जीरो से जीरो आप कट कर लीजिए, ठीक है, आफ्टर दैट थ्री को कट कर लिया, 3 × 6, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3, देन आफ्टर यू मल्टीप्लाई
साइड में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 एंड 21 में क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मेन मस्ट बी ट्रांसफर, द ट्रांसफर्ड मेन, द ट्रांसफर्ड मेन इज इक्वल, कितने मेन को ट्रांसफर करना होगा, तो ट्रांसफर्ड मेन इज इक्वल टू टोटल मेन कितने थे पहले 630, तो 630 माइनस 525 इक्वल टू 10 दस फाइव या 5 एंड 2 प्लस 0 105 मेन, ये आपका आंसर। तो ये 25 डेज के लिए दिया हुआ था, 1 डे के लिए फाइंड किया और 30 डेज के लिए भी फाइंड कर दिया, 30 डेज के लिए आ गया 525 में, ठीक। अब क्वेश्चन ये रहा है कि कितने में ट्रांसफर करने पड़ेंगे कि 30 डेज वो फूड मटेरियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मेन में से ट्रांसफर करना है तो मेन माइनस कर देंगे, टोटल मेन 630 थे आगे इतना माइनस कर दिया, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 90 एंड यू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9B। सो ऑल अबाउट फॉर दिस स्टूडेंट, ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।